नमस्ते बच्चों, कैसे हो? तैयार हो हमेशा की तरह एक मजेदार कहानी सुनने के लिए? आज हम कक्षा दूसरी का पाठ चार भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ेंगे। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल होकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर तो निकल आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आप देखा ना तब भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। देखो यहां चित्र में, क्या किया भालू ने? पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़े में शेर का बच्चा दहाड़ा, फिर पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर उछालने के लिए कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा? भालू ने क्या कहा? ओह, किस आफत में आ फंसा? बारहवीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब क्या हुआ? अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। देख रहे हो ना यहाँ पर चित्र में, डाल भी टूट गई। तभी वहां माली आया, शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। क्या कहा माली ने? डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, चलो ठीक तो बोलू। माली ने कहा, ठीक है अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, कैसी लगी है कहानी तुम्हें? क्या हुआ इस कहानी में बताओ? सबसे पहले क्या हुआ? भालू दादा सुबह सुबह सैर पर निकल गए, लेकिन पछताने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। अब वो सोच रहे थे, मैं क्यों इतनी ठंड में सुबह सुबह घूमने निकल आया। फिर क्या हुआ? उन्होंने देखा जामुन के पेड़ के नीचे कुछ गोल गोल सी चीज दिखाई दे रही है। क्या था वह? सही कहा तुमने, वह शेर का बच्चा था जो गोल मटोल होकर सोया था। क्यों गोल मटोल हुआ था वो? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। फिर क्या हुआ? भालू ने सोचा, अरे वाह, ये तो फुटबॉल है, और उसे लगा दिए एक लात कि जब हम खेलते हैं तो थोड़ी हमें गर्मी लगती है ना, वैसे ही भालू ने भी सोचा। अब आगे क्या हुआ? शेर का बच्चा तो डर गया और डर कर दहाड़ा। कैसे दहाड़ा हुआ? फिर भालू दादा देखे, अरे ये तो फुटबॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। और उन्होंने जल्दी से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? इससे तो शेर के बच्चे को मजा आने लगा। उसने उनसे बार बार उछलने के लिए कहा, और उछालो और उछालो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भालू दादा थक गए। उन्होंने कहा, अरे एक बार ठीक था, दो बार ठीक था, ये तो बार बार उछालने के लिए कह रहा है। अब की बार उन्होंने क्या किया? 12वीं बार उछाला और घर की ओर भाग गए। अब शेर का बच्चा
तड़ाम से जमीन पर गिर गया। लेकिन उसी समय वहां पर माली पहुंच गया। माली मतलब जो बगीचे की रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। माली ने कहा, मेरे पेड़ की डाली तोड़ दी तुमने, लाओ हट जाना लाओ। शेर का बच्चा डर गया, अरे अब तो ये मुझसे हट जाना मांगेगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। बोलता है, रुको रुको, जोर से गिरा हूँ, चोट लग गई है, ठीक हो लेता हूँ फिर दूंगा। माली भी बोला, ठीक है मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही माली गया, शेर का बच्चा क्या हुआ, वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब वहां से भाग गया। बहुत बढ़िया बच्चों, यह कहानी पढ़कर तुम अपने घर के लोगों को भी सुनाना। आओ बच्चों, इस पाठ से अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। बताओ, शेर का बच्चा गोल मटोल होकर क्यों सोया था? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इस कारण शेर का बच्चा गोल मटोल होकर सोया था। अब अगला प्रश्न देखो, भालू साहब किस बात पर पछता रहे थे? क्या है इसका उत्तर? सुबह सुबह बहुत ठंड में भालू घूमने निकल गया था, इसलिए वह पछता रहा था। अगला प्रश्न देखो, भालू ने ऐसा क्यों कहा? ओ, किस आफत में फंस गया? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है, क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उछालने के लिए कह रहा था, भालू ने सोचा, ओ मैं किस आफत में फंस गया। अगला प्रश्न देखो, शेर का बच्चा 9-2-11 नहीं होता तो क्या होता? क्या है इसका उत्तर? शेर का बच्चा वहां से 9-2-11 नहीं होता तो माली उससे हर जाना लेने आ जाता। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इन शब्दों को तुम अपने घर की भाषा में क्या बोलते हो बताओ? कोहरा। कोहरा मतलब कोहरा, धुंध। ठंड के दिनों में देखा ना तुम्हें, धुआं धुआं सा रहता है, क्या बोलते हो उसे तुम? कोहरा। बहुत बढ़िया। सुबह, सुबह को क्या बोलते हो? बिहनिया, सकाले। बहुत अच्छा। अगला देखो, जमीन, इसे क्या बोलते हो? भुइया। अब अगला शब्द है पेड़। पेड़ को क्या बोलते हैं? गज, रूख। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, जामुन को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो अपने घर की भाषा में जामुन को? चिरई जाम, गोली जाम। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब तुम कुछ काम और करना। क्या करना है तुम्हें? जैसे भालू ने ठंड दूर भगाने के लिए फुटबॉल खेली, तुम अपने घर के लोगों से बात करना और उनसे पूछना कि ठंड दूर करने के लिए वो क्या क्या काम करते